इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, और 12 घंटे की बारिश से दिल्ली पर एक बड़ी आफत टूटी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिग्नल फेल हो गया। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगातार हो रही बारिश से रेलवे ट्रैक डूब गया है। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी दिख रहा है, और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक फेल हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, देखिए, और ये बताता है कि मात्र 12 घंटे की बारिश के बाद देश की राजधानी का क्या हाल हो गया है। मिंटो ब्रिज की तस्वीरें तो हर साल आप देखते हैं, जहां पर पानी भर जाने के बाद बस तक डूब जाती है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिग्नल फेल हो जाना, ट्रैक पर पानी आ जाना, ये बताता है कि कैसे 12 घंटे की बारिश ने देश की राजधानी की इस सिविक एजेंसीज की पोल खोलकर रख दी है। ये एजेंसियां जिनके ऊपर साफ सफाई का, ड्रेनेज का, बारिश का पानी निकले, नालों का साफ सफाई होता रहे जिससे पानी रुके ना, वो सारी यहाँ पर पोल पट्टी खुलती हुई। ये तस्वीरें हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर आ गया है। बारिश के पानी की वजह से या 12 घंटे लगातार बारिश हुई दिल्ली में, इस वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिग्नल फेल हो गया। सिग्नल फेल हो जाने का मतलब रेल ट्रैफिक में बहुत दिक्कत आ रही है, जिसका मतलब है कि ट्रेनें लेट हो रही होंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बारिश की वजह से प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 8 तक ट्रेन की आवाजाही ठप हो गई है। अब सोचिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे बिजी स्टेशन में से एक, जहां से देश भर के लिए रेलगाड़ियां निकलती हैं। अब एक तरफ रेलवे ट्रैक देखिए, दूसरी तरफ सड़क देखिए, दोनों तरफ बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर भारी जाम, और ये जाम दिल्ली में लगातार हो रही है, लग जाता है। अभी देखिए कैसे घुटनों भर पानी में होकर निकल रही है ट्रेन, वहां पर कारें, बसें और तमाम गाड़ियां, ऑटो भी आप देख सकते हैं इसमें शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको जो रेल पर विराम लगा है, ये और भी ज़्यादा चिंता का कारण है, क्योंकि देश भर के लिए सुबह सुबह ट्रेन छूटती है नई दिल्ली से, और ये रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 8 तक रेल परिचालन बाधित हो गया है, सिग्नल फेल हो गया है, और इस वजह से वहाँ पर ट्रेन परिचालन में बहुत दिक्कत आ रही है। ये दो तस्वीरें, इस वक्त भारी बारिश कैसे मुसीबत का सबब बनकर टूटी है, न केवल दिल्ली वालों पर बल्कि उन लोगों पर जो दिल्ली से बाहर ट्रेन के जरिए जाना चाह रहे थे, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से वो ट्रेन अब नहीं छूट पा रही है, या सिग्नल फेल हो जाने की वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है, और 1 से लेकर 8 नंबर तक प्लेटफॉर्म पर जो रेल परिचालन है वो पूरी तरह बाधित हो रहा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो गया है। दिल्ली NCR में जोरदार बारिश की वजह से केवल रेलवे ट्रैक ही नहीं, हर कहीं कहीं जग भारी जलभराव हो गया है, और इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जो कि दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन वो लोग जो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले, वो लोग जो सुबह सुबह इस खुशनुमा मौसम में ये सोचकर निकले कि चलो आज तो भरी गर्मी में गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी या भरी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको क्या मालूम था कि उनके सामने एक दूसरी मुसीबत मुंह बाय खड़ी है। उनको क्या मालूम था कि आज वो आधे घंटे का सफ़र 2 घंटों में 2.5 घंटों में करेंगे, घुटने भर पानी से होकर जाना पड़ेगा, और उनको क्या मालूम था जो लोग ट्रेन से जा रहे थे कि आज उनको घंटों वहाँ इंतज़ार रेलवे स्टेशन पर करना पड़ेगा। प्रगति मैदान से हमारे संवाददाता मानव यादव जुड़ रहे हैं। मानव, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो बता रही कि कैसे पोल पट्टी खुलती हुई दिल्ली की मात्र एक रात की बारिश में रेलवे ट्रैक हो या सड़क हो, हर जगह पानी भरा नजर आ रहा है। आप प्रगति मैदान पर हैं, वहां से ज्यादा दूर नहीं है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान पर क्या हाल है, जरा बताइए। बिल्कुल गौरव, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, दर्शकों को हाल भी बताऊंगा, लेकिन सरकार के वो वादे, MCD की वो वादे की पोल भी खुलती दिखाई दे रही है, जो सरकार कह रही थी कि 1500 से ज़्यादा हमने पंप लगाए हैं दिल्ली में कि अगर बारिश होती है तो पानी को निकाला जाएगा समय पर। सुबह से लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है, और इस तरीके की तस्वीरें पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है। देखिए, इनकी बाइक फंस गई है, अब इस तरीके से गड्ढे पानी के भीतर हैं, तो उनको मतलब दिक्कत ये है कि लोग किस तरीके से मतलब अपनी मदद कर पाएंगे, क्योंकि जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो गौरव, इस तरीके की तस्वीर पूरी दिल्ली में है, हालात ऐसे ही हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल दिल्ली सरकार और MCD के उन दावों पर करते हैं। और ये वो इलाका है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही सुप्रीम कोर्ट है, तो लगातार पिछले महीने भी यहाँ पर पानी भरा था। एक छोटा सा पंप आगे ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन वो पंप इतना सक्षम नहीं है कि पानी निकाल पाए, तो कहीं ना कहीं हालात पूरी दिल्ली में पैदा हो गए हैं। ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है,
आईटीओ के आसपास जितने भी दफ्तर हैं, चाहे वो देखिए आप अपना कर्तव्य तो निभा ही रहे, लेकिन एक नागरिक होने का कर्तव्य भी आपने अभी निभाया और कैसे एक स्कूटी सवार की मदद की जब वो फंस गए पानी में। सवाल ये है कि हमारी सिविक एजेंसियां, हमारी सरकारें कब अपना कर्तव्य निभाएंगी, कब वो इन तस्वीरों से हमें निजात दिलाएंगी। बहुत शुक्रिया मानव, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन आपने जो तस्वीर दिखाई वो बहुत है ये बताने के लिए कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है। सड़क नहीं बल्कि ये तालाब दिख रहा है जहां पर इस वक्त आप खड़े हैं, और ये भी वो जगह जो प्रगति मैदान है, जहां पर दुनिया भर से एग्जिबिटर्स आते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी एग्जिबिशंस लगती हैं, जहां पर बगल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और वहां क्या हाल है इस वक्त देख सकते हैं आप। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।